और मुझे पढ़ना गौतम बुद्ध के बारे में है ना। पहला हमारा जो टॉपिक है वो गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ना है। और ये जो हमारे गौतम बुद्ध हमारे जो एक ग्रेट पर्सनैलिटी में आते हैं, उनका जो जन्म हुआ है 8 अप्रैल 563 BC। उनका जन्म कब हुआ है? 563 BC। BC का मतलब होता है बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जो जीसस क्राइस्ट है उनके बर्थ होने से पहले का। अंडरस्टैंड? अब हम करेंगे जो गौतम बुद्ध थे वो जो हमारा जो फाउंडेटर रिलीजन ऑफ बुद्ध, गौतम बुद्ध ने बुद्धिस्ट रिलीजन को क्या किया था, स्थापित किया था। बहुत सारे मेनी पीपल फॉलो इंडिया, बहुत सारे जो पीपल है वो हमारे इंडिया में भी फॉलो करते, नेपाल में भी, बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी, एंड सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी हमारे इस बुद्धिज्म रिलीजन को मानते हैं। समझे? वहां भी मिलेंगे आपको हमारे बिहार में, इंडिया हमारे बिहार में जो हमारा बोध गया है वो भी, अच्छा वैशाली गए होंगे वहां भी आपको मिलेंगे बुद्धिज्म लोग, ठीक है, वहां भी मिलेंगे। कभी वैशाली जाते थे, ठीक है ना। अब इनका जो बॉर्न हुआ था, ये जब जन्म लिए थे एक प्रिंस की तरह जन्म हुआ था इनका, और एक प्रिंस सिद्धार्थ, इनका जो नाम था वो सिद्धार्थ था, इनका रॉयल फैमिली, इनका जो जन्म हुआ था वो रॉयल फैमिली में हुआ था। और उनका जो जन्म हुआ था उनका जगह कहाँ था, कपिल वस्तु लंबिनी डेडलाइंस ऑन द बॉर्डर ऑफ नेपाल, ये जो जगह है वो कहाँ पे आता है, वो नेपाल के बॉर्डर में आता है, नेपाल का बॉर्डर है ना, हाँ, तो उसी के जस्ट साइड में कपिल वस्तु लंबिनी नाम का जगह है, ठीक है ना। अब हमको देखना है कि इतना अच्छे इनका जो एक प्रिंस लाइफ का अगर चाहते तो इनका एक प्रिंस लाइफ लाइफ स्टाइल है, बहुत अच्छे फैमिली में वो जन्म लिए थे, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको इतना मतलब शांतिपूर्ण जिंदगी जीना चाहिए था। लेकिन क्यों जिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, अब ये आगे पढ़ेंगे। नाउ एट यंग एज में जब वो आए तो इन्होंने सोचा, फिर ये इन्होंने डिसाइड किया कि अपनी जो आरामदायक जिंदगी है, जो इतनी भीड़ भाड़ एकदम शांतिमय, मतलब ये जो जिंदगी लग्जेरियस लाइफ को वो लीव कर, वो छोड़ के शांतिपूर्ण एक पीसफुल लाइफ में जीना पसंद करते हैं, वो एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीने के लिए इन्होंने अपना लग्जेरियस लाइफ को लीव कर दिया, त्याग कर दिया। ही लेफ्ट हिज पैलेस एंड बिगन मेडिटेशन अंडर अ पीपल ट्री, इन्होंने अपना महल छोड़ दिया और बिगन वो अपना स्टार्ट किया मेडिटेशन, कौन से पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे। आफ्टर दैट ही अचीव अ ग्रेट नॉलेज अबाउट लाइफ, आफ्टर दैट इसके बाद उन्होंने बहुत ही अच्छा नॉलेज, बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। किस चीज के बारे में? लाइफ के बारे में। ही वॉज कॉल्ड बुद्धा, ही वॉज कॉल्ड बुद्धा। और जब उन्होंने पूरी चीज की जानकारी ले ली इनका, तभी लोग इनको बुद्ध के नाम से जानते थे। जब हर एक इंसान, मतलब इस चैप्टर में आप देखिएगा, जब इन्होंने सारे चीज को अचीव कर लिया, बहुत अच्छी नॉलेज ले लिए कि जिंदगी क्या है, व्हाट इज लाइफ, बहुत तरह का उन्होंने अपने पास शांतिपूर्ण जिंदगी जिया, और उसके बाद इन्होंने जो नॉलेज प्राप्त किया उसके बाद ही वॉज कॉल्ड बुद्धा, तब वो बुद्धा कहलाए। बुद्धा प्रीज द नोबल ट्रूथ ऑफ लाइफ, उत्तम उद्देश्य इनका जो जिंदगी का था उन्होंने दिया। अब वो उत्तम उद्देश्य क्या था मैं अभी बोर्ड पे मेंशन करूंगी,